और इसमें जो है अलग अलग सेल बनाए हुए हैं कि उसमें ह्यूमन ट्रैफिकिंग सेल और बीच में भी मुहिम चला के उसमें पतारची करते हैं, तो काफी अच्छे इसके परिणाम आए हैं, लेकिन इसमें काफी काम करने की और भी बहुत गुंजाइश है और पुलिस उसमें करेगी। ये तो एक सतत प्रक्रिया है, जब आदमी सेवा में आता है और तो उसका एक रिटायरमेंट भी है, तो ये तो बिल्कुल वो जो है, तो उसमें तो मेरा काम तो काम करते रहने का, जिस दिन तारीख आएगी उस दिन अपना। सर, ट्रांसफर के बावजूद भी बहुत सारे अफसर और कर्मचारी नक्सल प्रभावित इलाकों में नहीं जाते? नहीं, वो अच्छा कोई यहाँ से आवेदन नहीं है। सर ट्रांसफर के बावजूद भी बहुत सारे अफसर और कर्मचारी नक्सल प्रभावित इलाकों में नहीं जाते। आपके द्वारा एक कड़ी कार्रवाई की गई थी, फिर चुनाव कारण रुक गई थी, अब इस पर पूरी तरह की कड़ी कार्रवाई की जाएगी? ये उस समय कार्रवाई हुई और सारे अधिकारी जो कर्मचारी वहाँ गए भी, और उसमें से 99% क्या 100% कर्मचारी अपनी जगह पर पहुँचे थे। सर, हालिया एक किताब के प्रीफेस में आपसे लिखा है कि किस तरह लैंड रिफॉर्म के अभाव में इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से राज्य में सांस्कृतिक और एग्रीकल्चर ढांचा चरमरा रहा है। आपने उस पर लॉ एंड ऑर्डर का भी जिक्र किया, किस संदर्भ में आप या आपका विभाग सरकार को कोई राय देने जा रहा है? ये जो उसके बारे में पूरी चीजें हैं, जब वो आप उसमें पढ़ेंगे तो विस्तृत रूप से दी गई है, आगे भी बताएंगे, क्योंकि जमीन के मामले में ये पूरे के पूरे कानून व्यवस्था जो है इसके विभिन्न आयाम हैं कि जब इंडस्ट्रियलाइजेशन होता है तो उससे कैसे कानून व्यवस्था प्रभावित होती है, और लैंड एक्विजिशन होता है किस प्रकार से कानून व्यवस्था प्रभावित होती है, और उससे मैं, क्योंकि हमारे गाँव की जमीन भी सरकार ने एक्वायर की थी, तो उससे ये पूरा एक जो है वो तो किस प्रकार से स्टेप वाइज जो है उसमें परिवर्तन होता है, तो वो सारी चीज़ें हैं। तो सरकार के पास तो पूरा अपने आप में ही पूरा विभाग है, जो इतना काम पुलिस विभाग का होगा हम उसमें जरूर सरकार से शासन से निवेदन करें। सर, पिछले 2 साल से पुलिस जवाबदेही आयोग सफ़ेद हाथी टाइप से बन गया है, उसके बारे में क्या कहेंगे अभी तक? वो हमारा तो उसमें जो पुलिस विभाग का काम है उसमें हम लोग काम कर रहे हैं, वो दूसरे का है, उस पर कोई टीका टिप्पणी जो है हम लोग नहीं कर सकते, और मेरे विचार से जो भी चीज़ें हैं हम लोगों से जितनी जानकारी रहती है उनका वो रहता अच्छा उसमें परिणाम है। सर, वीवीआईपी लोगों के लिए जो सुरक्षा की व्यवस्था लगती है उसमें बहुत फोर्स का बहुत बड़ा मतलब हिस्सा उसमें लगे रहता है, क्योंकि अभी आपने दिल्ली में जो प्रयोग किया है, आपको कैसा लगता है कि क्या इतनी ज़्यादा फोर्स सुरक्षा में वीवीआईपी लोगों को दी जानी चाहिए या उसमें कुछ कमी होनी चाहिए? ये इसमें जो है स्थानीय स्तर पर भी लगातार उसमें हम लोग पर्यवेक्षण करते हैं और मंत्रालय स्तर पर भी रहता है। छत्तीसगढ़ का जो है पूरे देश के अंदर एक अलग वीआईपी सुरक्षा के अंदर जो है एक अलग परिप्रेक्ष्य है, क्योंकि इसमें नक्सलवाद और शहरी क्षेत्र के अंदर भी काफ़ी चीज़ें हैं, तो दिल्ली का अलग वातावरण है, छत्तीसगढ़ का अलग वातावरण है, और यहाँ भी प्रदेश में सुकमा में अलग वातावरण है, कोरिया में अलग है, तो जिसके कई बार स्थानीय स्तर पर और कई बार जो है बड़े स्तर पर भी राज्य स्तर पर भी ये कार्रवाई की जाती है, तो हमारा मुख्य ध्येय रहता है कि वीआईपी की सुरक्षा 100% रहनी चाहिए। शहरी क्षेत्र की बात अलग है सर, ग्रामीण क्षेत्र का तो लगेगा, हम समझ रहे हैं कि नक्सल क्षेत्र है, लेकिन जहाँ कहीं अतिरिक्त दो तीन तीन लोग लगे रहते हैं, जहाँ अतिरिक्त होगा हम जरूर उसमें करेंगे, इसमें हम रिव्यू करने जा रहे हैं, उसमें से हम कमी करेंगे ताकि समीक्षा उसमें और अधिक पुलिस बल का दूसरी जगह उपयोग हो पाए, ये अच्छा सुझाव। सर, आईजी लॉ एंड ऑर्डर जो है मुख्यमंत्री के पैर छू लिए थे सार्वजनिक सभा के दौरान, इस पे आपका क्या स्टैंड है? वो व्यक्तिगत मामला है, कल मैंने उस पर बताया है कि भाई वो तो जो है श्रद्धा भाव का मामला है। तो बहुत बहुत धन्यवाद, और आप सब लोगों के माध्यम से पूरे हमारे जो छत्तीसगढ़ के भाई बहन हैं उन सबको मैं नववर्ष की मंगलमय कामनाएं, और आप सब लोगों का पुलिस विभाग में हमेशा बहुत बड़ा सहयोग रहा है, जो सब विभिन्न समय पर जो चीज़ें सामने आती हैं उसमें 110% सहयोग आप लोगों का रहा है, आगे भी हमेशा सहयोग रहेगा, ये अपेक्षा ही नहीं बल्कि एक दूसरे पर हम लोगों का, आप लोगों का हम पर आप और हमारा आप पर अधिकार है। बहुत बहुत धन्यवाद, आप सब लोग आए, समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद।
क्यों 100% करो, तुम काम करो।